So in order to go for contraction, the power and recovery strokes of contraction will keep continuing. Keep continuing until the work is done. The work is done. Theek hai ji? So the power and recovery strokes of contraction will keep continuing till the work is done. Condition hai yahan, providing enough ATP, yeah, enough CP, creatine phosphate was regenerated at rest. समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको रेस्ट में क्या करना चाहिए था? भाई तुम्हारा एटीपी कौन होउची? एटीपी टा कोठे आसिला? तो एट रेस्ट हम क्या करते हैं? क्रिएटिन फास्फेट. क्रिएटिन फास्फेट को हम क्या कहते हैं बोलो? तुम लोग थोड़ा भी पढ़ के नहीं आते हो ना, इसलिए बड़ा दुख होता है. तो सब काजू किशमिश पढ़ी दो पर भी तुमको बताऊंगा. क्रिएटिन फास्फेट को हम लोग कहते हैं मसल फॉस्फाजेन, क्योंकि मसल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है इसलिए एटीपी नहीं होता है. ओके, तो क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एटीपी है, यहाँ क्रिएटिन होगा. ओके, क्रिएटिन क्रिएटिन प्लस एटीपी विल गिव इन प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज क्या देगा? क्रिएटिन फॉस्फेट, इसको हम लोग बोलेंगे मसल फॉस्फाजेन. ठीक है, ये आपका कब काम, या ये आपको कब रखना होगा? रेस्ट में रखो भी नहीं, तापरे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ये रिवर्स होगा. सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इस स्टेप को हम क्या करेंगे? इधर पेस्ट कर देंगे. तो क्या ये फॉस्फाजेन जो ये है इधर उल्टा होगा, तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है उसको उधर से कट करेंगे, इधर डाल देंगे पेस्ट. ओके, प्लस यहाँ क्या देंगे? एडीपी. तो ये क्या बन जाएगा बोलिए? तो ये बन जाएगा क्रिएटिन प्लस एटीपी. मुझे ला फाइन. तो इसीलिए ये कौन सा एटीपी है? ये वही एटीपी है जो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं. ये कौन सा एटीपी? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला एटीपी है रेस्ट में. तो क्रिएटिन फॉस्फेट. ओके, सो दिस इज योर एटीपी इन द मसल, दिस इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसको हम लोग अलग अलग सर्कल से बनाएंगे. तो ये जो सर्कल है ओके, इसको हम रेड से बनाएंगे. तो रेड वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, ब्लू वाला मसल वाला है. अंडरस्टूड? ये एडीपी कौन सा है बोलिए? ये एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया वाला है. ओके, सो दिस एडीपी इज माइटोकॉन्ड्रिया वाला. देखो ना, मसल वाला, सॉरी, तो ब्लू ब्लू मसल, रेड इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो बुझे वाला? तो रेस्ट है हमें जद्दी, तो इसलिए दिस हमने क्या लिखा? द पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल कीप कंटिन्यूइंग टिल द वर्क इज डन प्रोवाइडेड. आपने रेस्ट में क्या किया है? प्रोवाइडेड इनफ क्रिएटिन फॉस्फेट वॉज रीजनरेटेड एट रेस्ट. क्यों? बिकॉज अगर रेस्ट में आप क्रिएटिन फॉस्फेट नहीं बनाओगे
तो एटीपी यहां नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो मसल क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना, रिकवर नहीं होगा। सोच के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, रिकवर नहीं होगा, वो रिकवर नहीं होगा, समझा? यू विल रिमेन इन परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम टिटनस बोलते हैं। आया समझ? चलिए तो यही सब चीज है भैया, पढ़ के आओ। उसको क्या बोलते हैं? टिटनस। टिटनस, यस, दैट इज कॉल्ड टिटनस। ओके, तुम सुब्रत सो रहा है ना, बैठ के पढ़ रहा है? सब बैठ के पढ़ रहा है। कब से बैठ के पढ़ रहा है सर? जब से क्लास स्टार्ट हो। तो डेढ़ घंटा से तुम्हारा जो एस का मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना, रिलैक्स्ड है? कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसको परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? टिटनस। सर टिटनस वो वाला टिटनस जो, यस और नो? यस सर बोलते बस। बट अब आपका मन कर रहा है थोड़ा सो जाए, हल्या ही गलत क्लास वाला, तो क्या आप सो सकते हो सर? यस और नो? सो सकते हो, घूम सकते हो, चल बुल सकते हो ना, ऐसे ही बैठे रहोगे सर? सो सकते है ना, सामान्य तुम्हें टिटनस रिलैक्स करी गलो, तो इसका मतलब ये बीमारी वाला टिटनस नहीं है। समझ आया? अगर बीमारी वाला टिटनस होगा तो क्या होगा? आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। समझ आया इडियट? तो बिना टिटनस के कोई काम नहीं होता, बुझ गया? चलिए आप देखिए, तो ये हमारा ड्राइंग सामने लगा दिया, तो ये आपका वो थियोरी है, देख रहे हो? बट यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, वी हैव टू शो कैल्शियम एवरीवेयर। ओके, आपको हर जगह कैल्शियम दिखाना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हमारा एटी सब रिएक्शन रे, देखो एटा रिकवरी स्ट्रोक अच्छी मायोसिन एटीपी प्लस एक्टिन। अब हमने यहाँ क्या दिया? कैल्शियम दिया, तो जैसे ही कैल्शियम दिया मायोसिन हेड क्या हुआ? एक्टिवेट हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा? मायोसिन एटीपीएस एक्टिवेटेड, क्या होगा? ठीक है, तो मायोसिन एटीपीएस एक्टिवेटेड, तो ये मायोसिन एटीपीएस जाग गया। जैसे ही जाग गया उसने क्या किया? उसने मायोसिन एटीपी को तोड़ दिया। अंडरस्टूड? अब यहां भी हर जगह आपको कैल्शियम दिखाना पड़ेगा, ना? कैल्शियम ना देखे वो माने ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? वहां दिखाओगे, यहां दिखाओगे एंड यहां दिखाओगे। अंडरस्टूड? तो दिस रिएक्शन विल कीप गोइंग। तो देखे ला एडी भांगिला, तो जैसे ही टूटा अब मायोसिन क्या कर रहा है? वो एक्टिन को पकड़ने जा रहा है। इधर क्या किया? उसने मायोसिन को पकड़ लिया। तो इसलिए दिस साइड ऑफ द रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोई शक? बट ये हमने आपको एटीपी दिया, ये एटीपी कितों लाए? Where did you bring this ATP from? This ATP was provided by, हम यहाँ उल्टा रिएक्शन लिखेंगे, है कि नहीं? ATP plus creatine, okay? तो ये हम उल्टा आरो देंगे। तो ये कब हुआ था? In presence of CPK, है कि नहीं? तो ये कब हुआ था? जब हमने क्रिएटिन
ओके फास्फेट, ओके तो क्रिएटिन फास्फेट दिया था, दिस इज मसल फास्फाजेन। फाइन, तो ये रिएक्शन कब हुआ था, जब हमने ये रिएक्शन किया था, कब, रेस्ट में ना एक्टिविटी में, बोलिए। सो दिस इज ड्यूरिंग एक्टिविटी, ओके। तो ये जो है ये हमने दिया था, तो एरो सिलेक्ट हो जाओ, ये वाला एटीपी, ठीक है। तो ये जो एटीपी है हम यहां लाए हैं, अंडरस्टैंड? यस यस। इतने तो हमें कोरियन पढ़ची, किंतु हमारे टिक्के पढ़ के आ चुके, कितने दुख में जीवन रहे, देख रहे हो। तो एटीपी प्लस, तो ये आपका हुआ था कब, ये एक्टिविटी में हुआ, बट ये रिएक्शन कहां से आया, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे। तो क्रिएटिन प्लस क्या, एटीपी फ्रॉम मिटोकॉन्ड्रिया, ओके मिटोकॉन्ड्रिया एट रेस्ट, ठीक है। ये आप हमारा है, किसने किया था, सीपीके ने, क्या बनाया, क्रिएटिन फास्फेट प्लस एडीपी। तो व्हाट इज दिस क्रिएटिन फास्फेट, इसको हम मसल फास्फाजेन बोलेंगे। आगे हो मजो? यस यस। तो आप देख रहे हो, तो ये एक छोटा सा साइकिल है, तो ये क्रिएटिन हमने इसको दिया, फाइन, एंड इसने हमें क्या वापिस किया, क्रिएटिन फास्फेट, फाइन। तो इसलिए ये रिएक्शन कब होता है, एट रेस्ट। आ गया मजा? तो अब ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा डब्बाटा को काढ़ अच्छी जे हल चल हो गया होता है। नो नो इट्स नॉट फॉर यू, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। अब आ गया मजा, देख लो। अब आप अंदर आ जाइए, हो गया ठीक, सब एक बढ़िया, देख रहे हो, बड़ा बड़ा बुक का डायग्राम है, बट फिर भी हर चीज कंप्लीट नहीं होता है, देख रहे हो। तो इसीलिए यही एटीपी टा तुम्हें कोट वाणी लो, क्रिएटिन फास्फेट हैला। तो ये है ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो अब जैसे ही एटीपी आया, तो ये क्या हो गया, तो इसीलिए हम इस स्टेप को क्या बोलेंगे, बोलिए, दिस स्टेप इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक ऑफ क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? नाउ बुझ रहा कि नहीं? अब आप सोचिए, मैं अगर ये कैल्शियम यहां से हटा दूं अब, तो क्या स्टेप होगा, पावर ना रिलैक्सेशन, बोलो? रिलैक्सेशन। हाँ रिलैक्सेशन। इसलिए हम लोग यहां से आप एक एरो इधर बाहर निकालेंगे, इधर लिखेंगे क्या, इफ कैल्शियम इज रिमूव देन क्या, रिलैक्सेशन। बुझला?
कोई शक? नो सर, नो सर। आया? तो इसलिए यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर आप कैल्शियम को रखोगे तो क्या होगा, तो फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा पावर स्ट्रोक। बट अगर आप कैल्शियम को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिकवरी स्ट्रोक। चलिए आई एम एंडिंग द मीटिंग, एक्चुअली आपका दूसरा क्लास का टाइम हो गया, मैं भूल गया। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन।